Hey guys, welcome to my channel. Today's video, I'm going to show you how to make your own foundation stick at home. ये मैंने खुद घर पर बनाया है. इस फाउंडेशन स्टिक को आप अपनी किसी भी लिक्विड फाउंडेशन से बना सकते हैं, अपनी किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से बना सकते हैं, या फिर अपने किसी भी पैनकेक से बना सकते हैं. उसको लिक्विड को आप सॉलिड बना सकते हैं. बहुत इजी तरीके से मैंने इस फाउंडेशन स्टिक को बनाया और ये बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हुआ है. आप अपने किसी भी स्किन टोन के हिसाब से इसे बना सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. उसके बाद में एक बेल आइकन आएगी, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे क्लीन बाउल जिसमें हम अपना इसमें इसको बनाएंगे. तो सबसे पहले हम वो ले लेते हैं, अपना कोई भी क्लीन बाउल ले लीजिए. या फिर उसके अंदर हम में ऐड करेंगे अपना कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, अपना कोई भी फाउंडेशन, या फिर अपना कोई भी पैनकेक. मैंने घर पर पैनकेक बनाया था. बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे बनाया था और इसे मैंने विथआउट रैबिंग अल्कोहल बनाया था. मैंने इसे यूज़ भी किया, अच्छा खासा यूज़ भी हो गया. थोड़ा सा ये साइड से ब्रोकन हो गया था क्योंकि ये गिर गया था, वरना ये बिल्कुल अच्छे से सॉलिड तरीके से बना है. तो मैं इसी को ही फाउंडेशन स्टिक बनाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे से बनाने वाली. तो सबसे पहले आप अपना कोई भी या फिर अपना कोई भी फाउंडेशन आप ले सकते हैं, लिक्विड फाउंडेशन या फिर और आपको नेचुरल तरीका चाहिए तो उसके लिए आप इसमें अरारोट पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी सिनेमन पाउडर बना सकते हैं. मैंने पाउडर फाउंडेशन की भी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं. आप वो इसमें डाल सकते हैं पाउडर फाउंडेशन. ये हम इसे स्क्रैच करके इसमें अच्छे से निकाल लेंगे सारा. अगर आप इसे पूरी तरीके से नेचुरल बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने नेचुरल तरीके से फाउंडेशन पाउडर बनाया था, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, वो पूरी तरीके से नेचुरल है. आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. यहाँ आई बटन में भी मैं उस वीडियो को डाल दूँगी. ये हम इसको अच्छे से स्क्रैच करके निकाल लेंगे. ये देखिए अच्छा खासा ये मेरा निकल आया है. एंड देन इसके बाद में मैं लेने वाली हूँ अपना एक कंटेनर जिसे मैं इसे स्टोर करके रखूँगी. ये मेरा कंसीलर का कंटेनर है जो कि खाली है. थोड़ा सा इसमें कंसीलर लगा हुआ है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी. ज़रूरी नहीं है आप अपना कोई भी कंसीलर ऐड करें, अगर आप ऐड करना चाहते तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. तो मैंने थोड़ा सा ये भी निकाल करके इसमें डाल लिया है. एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल. इसको लिक्विड बनाएंगे और फिर इसे सॉलिड करेंगे हम. तो इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल. मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल ऐड किया है. ये तकरीबन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून. ये जो आप स्पून देख रहे हैं मेरा, इतना ही छोटा सा मैंने स्पून लिया है. ये 3 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे. एंड देन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना बीज वैक्स. बीज वैक्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, बाज़ार में 300-400 के करीब बीज वैक्स आता है. बट मैं यहाँ पे बाज़ार का बीज वैक्स नहीं यूज़ करूँगी. मैं अपना यहाँ खुद का बीज वैक्स लूँगी जो कि मैंने खुद घर पर बनाया और कम से कम ये 2 या 5 रुपए में ही बन गया था. और मैंने इसे काफ़ी टाइम से स्टोर करके भी रखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा होममेड बीज वैक्स. ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग. मैंने इससे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स बनाए हैं और सारे बहुत अच्छे बने हैं. उन सब की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं. और इसी से ही मैं अभी इसको स्टिक में सॉलिड में कन्वर्ट करूँगी. देख सकते हैं आप ये होममेड बीज वैक्स. आप इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ये बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट है, बिल्कुल बीज वैक्स है ये. तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने तकरीबन डाला है 2 टीस्पून इस टाइम मैंने यहाँ पे डाला है. ये इसी जो छोटा सा स्पून, इसी के 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ये डाला है. एंड देन इसको हम किसी भी मेथड से, या आप चाहे तो माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर मेथड से आप इसे मेल्ट कर लीजिए. डबल बॉयलर मेथड से थोड़ा जल्दी हो जाता है इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ. और ये बहुत जल्दी बन भी जाएगा.
ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा और इसमें बीस वैक्स डाला है क्योंकि मुझे वो थोड़ा कम लग रहा था। मैं चाह रही हूँ ये बिल्कुल अच्छे से एकदम सॉलिड बने, इसलिए मैंने थोड़ा सा और बीस वैक्स डाला। एंड देन इसको भी मैंने मेल्ट कर लिया और फिर हम इसको अपने किसी भी कंटेनर में डाल लेंगे। मैंने अपने इसी कंसीलर के कंटेनर में ही मैं इसे डालने वाली हूँ। आप इसे कोई सी भी कंटेनर में डाल लीजिए और फिर डालने के बाद में हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। 10 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसे अब फिल कर लिया। अब मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस आप रख लीजिएगा एंड देन बाद में हम इसे निकालेंगे 10-15 मिनट के बाद। आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पे आई बटन में भी आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। मेरा वो अनदर चैनल है ये। अब मैंने इसको निकाला है 15 मिनट के बाद में, ये अब आप देख सकते हैं। अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है, देखिए कितनी जल्दी जल्दी इतना सही से निकल आया है, कितने अच्छे से सेट भी हुआ है। ये टूट भी नहीं रहा है कि बीच से ब्रोकन हो जाए निकालने में, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हुआ। अब मैं इसे आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ इसका कलर कैसा आया। कलर आप अपने स्किन टोन के हिसाब से रखिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में।